तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हंटर 350 के डैपर वर्जन और रीबल वर्जन के बारे में, और दोनों में मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या प्राइस का डिफरेंस है और क्या क्या ऑफर्स चल रही हैं और कितने कितने कलर्स आ रहे हैं। बिकॉज मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि डैपर वर्जन में और रीबल वर्जन में 5,000 रुपये का फ़र्क है, वो क्यों है, कि कौन कौन सी चीज़ों का फ़र्क है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। मेरा नाम है संदीप कैंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों आपके सामने दोनों ही वर्जन खड़े हैं, ये मेट्रो वर्जन है और मेट्रो में ये है रीबल वर्जन, ये है दोस्तों डैपर वर्जन। और दोनों में दोस्तों तीन तीन कलर्स आते हैं। यहाँ पे खड़ा है रीबल का रेड कलर, एक आता है रीबल ब्लैक, एक आता है रीबल ब्लू, और दोस्तों ये डैपर का वाइट कलर खड़ा है, इसमें एक आता है डैपर ग्रे, एक आता है दोस्तों डैपर एश कलर। तो दोनों में तीन तीन कलर हैं, छः कलर टोटल हो गए, ये मेट्रो वर्जन की बात है। और अगर मैं दोस्तों इनके कंपैरिजन की बात करूं तो सबसे पहले हम दोस्तों इसके व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे जो रीबल वर्जन है इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे, अलॉय व्हील में बाइक मिल जाएगा आपको, और 17 इंचेस के फ्रंट वाले टायर हैं और 110/70 का टायर है फ्रंट वाला, और ब्लैक अलॉय व्हील में बाइक आपको मिल जाता है। सेम ही आप देखोगे कि डैपर वर्जन में भी आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। और मेजरली दोस्तों डिफरेंस एक है, ये है ब्रेक्स में। तो ब्रेक की बात करूं तो 300 mm में आपको ब्रेक मिल जाती है रीबल वर्जन में, ABS की डबल चैनल ABS में बाइक आ रहा है, और रीबल में आपको बाइब्री की ब्रेक्स मिल रही हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं डैपर वर्जन की तो 300 mm की ही बड़ी ब्रेक मिल रही है आपको, ABS में बाइक मिल रहा है डबल चैनल में, लेकिन इसमें आपको बाइब्री की ब्रेक्स जो है ये नहीं मिल रही, ये आपको नॉर्मल ब्रेक मिल रही हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे मडगार्ड की, तो मडगार्ड आपको दोनों में ही ABS प्लास्टिक में मिल जाएंगे सेम। आपको हेडलाइट जो है हेलोजन बल्ब टाइप मिल जाएगी दोनों में ही, आप देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं है। इंडिकेटर आपको दोनों में ही राउंड शेप में मिल जाएंगे, फ्रंट ऑरेंज ग्लास मिल जाएगा, बैकग्राउंड ब्लैक में मिल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। मिरर की बात करूँ तो दोनों में ही आपको फ्याम के मेटल में ब्लैक कलर के मिरर मिल जाएंगे। अगर मैं हैंडल बार की बात करूं तो सेम ही आपको हैंडल बार मिल जाता है दोनों में, रोटेटरी स्विचेस मिल रहे हैं दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है। ये डैपर है ये रीबल है, कोई फ़र्क नहीं है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे USB पोर्ट इसमें भी है, USB पोर्ट इसमें भी आपको मिल जाता है। मीटर की बात करूँ तो डैपर में आपको मीटर मिल जाता है सेम डिजिटल प्लस एनालॉग, और सेम आपको रीबल वर्जन में ही सेम मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। और अगर फीचर्स की बात करूँ मीटर की तो सेम ही आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मिल रहा है, यहाँ पे गेयर शिफ्टिंग मिल जाएगी, टाइम आ जाएगा यहाँ पे, ट्रिप ए ट्रिप बी ट्रिप एफ मिल जाएगा, फ्यूल इंडिकेशन मिल जाएगी यहाँ पे एनालॉग में, बैटरी इंडिकेशन, ABS इंडिकेशन, इंजन मैलफंक्शन, सभी फीचर मिल जाएंगे। और की भी आपको सेम मिल जाएगी, आप देख सकते हो रीबल की और डैपर में भी आपको सेम मीटर में फंक्शन मिल जाएंगे और की भी आपको सेम मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं है। सेकेंड दोस्तों मेजर डिफरेंस है वो है फ्यूल टैंक में। वैसे तो फ्यूल टैंक दोनों ही आपको सेम शेप में मिल रहे हैं, 13 लीटर के फ्यूल टैंक मिल रहे हैं, और अगर मैं कलर की बात करूं तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं डैपर वर्जन की बात करूं तो आपको प्लेन टैंक मिलेगा, इसमें कोई जैसे कंट्रास्ट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकर लगे हुए हैं एक यहाँ पे, और रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, या आप देख सकते हो यहाँ पे राइड लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पे आप देखोगे वाइट कलर में आपको प्योर लिखा हुआ मिलेगा। तो डैपर में काफ़ी अलग अलग तरह के स्टिकर लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं रीबल वर्जन की तो इसमें आपको ड्यूल टोन में आपको कलर जो है ये मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आइकॉनिक लाइन मिल रही है आपको, यहाँ पे जो टैंक का कलर है ये अलग है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इनफील्ड लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे रॉयल लिखा हुआ है, और गोल्डन में आपको इसके स्टिकर मिल जाएंगे। तो ये सेकेंड मेजर डिफरेंस है बाइक के अंदर। और उसके बाद बात करें सीट्स की, तो सीट आपको सेम मिल जाएंगी, आपको सिंगल सीट में बाइक मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी। रे टेलर की बात करूँ तो आपको LED में मिल जाएगी दोनों में, कोई फ़र्क नहीं है, सेम आपको नंबर प्लेट मिल जाती है। टायर की बात करूँ तो आपको दोनों में ही टायर सेम मिल जाते हैं, ट्यूबलेस 140/70 के टायर है दोनों में, डैपर में भी और रीबल में भी।
रेयर ब्रेक की बात करूं तो 270 mm की ब्रेक मिल जाएगी दोनों में, लेकिन अगर मैं बात करूं डैपर की तो उसमें आपको नॉर्मल मिल जाएगी ब्रेक। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइबरी का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे डैपर में कोई साइन नहीं है बिकॉज ये नॉर्मल ब्रेक है, ये बाइबरी की है। साइडी गार्ड आपको दोनों में मिल जाएगा, आप देख सकते हो ब्लैक कलर में। साइड बॉक्स जो है आप देखोगे यहाँ पे सेम ही मिलेंगे, कोई लोगों में फ़र्क नहीं है। और सस्पेंशन भी आपको सेम मिलेंगे, सिक्स वे एडजस्टेबल दोनों ही बाइक के अंदर। साइड स्टैंड मिल जाएगा आपको दोनों के अंदर। और अगर मैं गियर लीवर की बात करूँ तो सेम ही गियर लीवर मिल जाएगा डैपर में भी और रीबल में भी। 5-speed गियर बॉक्स में मिल जाएगी बाइक आपको। और अगर मैं इंजन की बात करूँ तो दोनों ही बाइक के अंदर आपको सेम इंजन मिल जाएगा, जो कि J1 सीरीज का इंजन है, वाइब्रेशन लेस इंजन है, 20.2 की BHP क्रिएट करता है, 27 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है, और ऑल ब्लैक में आपको इंजन मिल जाता है दोनों बाइक के अंदर। आप देख सकते हो चैसी भी आपको डबल चैसी मिल जाती है दोनों के अंदर, आप देख सकते हो कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो दोनों ही में आपको 800 mm की सीट हाइट मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 150 mm की मिल जाती है दोनों के अंदर, तो कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर मैं दोनों बाइक्स की बात करूं तो दोनों में सिर्फ दो ही फ़र्क है। सबसे पहला है दोस्तों ब्रेक्स का, सेकंड फ़र्क है दोस्तों इसके फ्यूल टैंक के कलर्स का, और एक भी चीज़ का दोनों बाइक के अंदर फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस जो है डैपर वर्जन का एक्स शोरूम प्राइस लुधियाना पंजाब का, इस टाइम मैं इस वक्त खड़ा हूँ अष्टावक्रा ऑटो में, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,63,900। अगर मैं दोस्तों रीबल वर्जन की बात करूं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,68,900। तो दोनों में 5,000 रुपये का डिफरेंस है एक्स शोरूम प्राइस में, और ऑन रोड जो डिफरेंस है तकरीबन 5,500 के आसपास जो है वो पहुंच जाएगा, बिकॉज इंश्योरेंस के चार्जेस बढ़ जाएंगे एक्स शोरूम प्राइस की वजह से, और RTO चार्जेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं इस प्राइस के अंदर बात करूँ ऑफ़र्स की, तो आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर हेलमेट जो है वो फ्री मिल रहा है, और आपको एक साल का रोड साइड असिस्टेंस जो है आपको फ्री मिल रहा है, 4 सर्विसेज आपको फ्री मिल रही हैं, 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और बहुत ही मिनिमम डाउन पेमेंट दे के आप इस बाइक को बाय कर सकते हो दोनों को ही। अगर मैं रॉयल इनफील्ड कंपनी की स्कीम की बात करूँ तो जो हंटर 350 है उसकी जो स्टार्टिंग डाउन पेमेंट है, अगर मैं रेट्रो को भी बीच में मिला लूँ तो 5,000 रुपया डाउन पेमेंट दे के आप हंटर जो है अपना बना सकते हो, और बहुत ही कम है डाउन पेमेंट, और इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लाइक 6 साल तक का फाइनेंस करवा सकते हो, स्टेप अप EMI की भी ऑप्शन है इसमें, नो हाइपोथिकेशन की भी ऑप्शन है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपने बाइक बुक करवाना है तो मैं नीचे नंबर जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे बात कर सकते हो। और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना है तो मैं इंस्टाग्राम अपनी ID जो है शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर इसकी वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो लुधियाना में जो रीबल वर्जन है इसका जो वेटिंग पीरियड है तकरीबन 10 से 15 दिन का है, और डैपर में कुछ जो कलर है लाइक ग्रे है या ऐश है वो 20 से 25 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।